नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय मौर्य और मेरे चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष गणित विषय का लेसन प्लान लेकर के आया हूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील करता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, चलिए दोस्तों, सर्वप्रथम आप ऊपर पाठ योजना संख्या को लिख देंगे, नीचे आप विद्यालय का नाम लिखेंगे, जिस विद्यालय में शिक्षण कार्य के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम आप यहाँ लिख देंगे। नीचे आप पांच कॉलम बनाएंगे, दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि। दिनांक के नीचे दिनांक लिख देंगे जिस डेट में आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं, जिस कक्षा को पढ़ा रहे हैं यहाँ लिख देंगे, जिस विषय को पढ़ा रहे हैं यहाँ लिख देंगे, जो पीरियड होगा उसको यहाँ आप लिखेंगे और जो अवधि होगी घंटी की उसको आप यहाँ लिख देंगे। प्रकरण दोस्तों है आज का हमारा गणित विषय के अंतर्गत योग संक्रिया के प्रगुण। सामान्य उद्देश्य क्या रहेगा? बच्चों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना, बच्चों को गणितीय तथ्यों का ज्ञान कराना, बच्चों में सोचने, समझने एवं तर्क करने की क्षमता को विकसित करना, बच्चों को दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता को बताना, बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास करना। इसके बाद दोस्तों विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में बच्चों को योग संक्रिया किसे कहते हैं की जानकारी देना, बच्चों को योग संक्रिया के गुण धर्मों को बताना। इसके बाद दोस्तों शिक्षणविद। शिक्षणविद में प्रश्नोत्तरविद, स्पष्टीकरणविद, उदाहरणविद। सहायक सामग्री में गिनती, पहाड़ा का चार्ट तथा अन्य कक्षा उपयोगी वस्तुएं। पूर्व ज्ञान में छात्र जोड़, घटाना, गुणा, भाग जानते हैं तथा उनको गिनती, पहाड़ा याद है। इसके बाद दोस्तों प्रस्तावना। प्रस्तावना में आप तीन कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। प्रश्न करेंगे बच्चे से कि तुम्हारे पास 2 रुपया है तथा तुम्हें 3 रुपया और मिल जाए तो कितने रुपये हो जाएंगे? छात्र बता देंगे कि 2 × 3 = 5 हो जाएंगे। फिर दूसरा प्रश्न करेंगे दूसरे बच्चे से, तुम्हारे पास 3 रुपया है तथा तुम्हें 2 रुपया और मिल जाए तो कितने रुपये हो जाएंगे? तो बच्चा बताएगा 3 × 2 = 5 रुपये। तीसरा प्रश्न करेंगे दोनों स्थितियों में कितने रुपये हो रहे हैं? बच्चा बताएगा 5 रुपये। चौथा प्रश्न करेंगे यह किस नियम के अंतर्गत है? छात्र मौन हो जाएंगे। यही हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब हम उद्देश्य कथन कहेंगे। बच्चों, आज हम लोग योग संक्रिया के प्रगुण का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद दोस्तों प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप 3 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन और छात्र कथन। शिक्षण बिंदु, पहला शिक्षण बिंदु है योग संक्रिया के प्रगुण। प्रश्न करेंगे योग संक्रिया के प्रगुण के बारे में बताओ। छात्र मौन हो जाएंगे। अब स्पष्टीकरण में बताएंगे योग संक्रिया के निम्नलिखित प्रगुण है। 1 क्रम विनिमय नियम, 2 साहचर्य नियम, 3 योगात्मक प्रतिलोम। अब तीसरा प्रश्न, अब इसके बाद अगला शिक्षण बिंदु है हमारा क्रम विनिमय नियम। देखिए दोस्तों, प्रश्न करेंगे क्रम विनिमय नियम किसे कहते हैं? छात्र मौन हो जाएंगे। अब स्पष्टीकरण बताएंगे किन्हीं 2 धन पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जाए तो उनके मानों में कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसे ही क्रम विनिमय नियम कहते हैं। छात्र ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। उदाहरण से बताएंगे कि जैसे a · b = b·a, 2 में 3 जोड़ने पर वही प्राप्त होगा जो 3 में 2 जोड़ने पर। क्रम बदलने से मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ 2 × 3 = 5 तथा 3 × 2 = 5 है, अर्थात क्रम विनिमय नियम योग संक्रिया पर लागू होता है। स्पष्ट हो गया। साहचर्य नियम। प्रश्न करेंगे साहचर्य नियम से क्या समझते हो? छात्र मौन हो जाएंगे। अब स्पष्टीकरण बताएंगे किन्हीं 3 धन पूर्णांकों में प्रथम व द्वितीय के योगफल में तृतीय पूर्णांक को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है जो द्वितीय और तृतीय के योगफल में प्रथम पूर्णांक को जोड़ने पर प्राप्त होती है। छात्र ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। उदाहरण से बताएंगे बच्चों को कि a धन b, a व b के योगफल में c जोड़ने पर वही प्राप्त होगा जो b व c के योगफल में a को जोड़ने पर प्राप्त होगा, अर्थात 2 × 3 = 5 = 2 × 3 = 5। यहाँ 2 व 3 के योगफल 5 में 5 जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है तथा 3 व 5 के योगफल 8 में 2 जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है, जिससे स्पष्ट है कि योग की संक्रिया साहचर्य नियम का पालन करती है। योगात्मक प्रतिलोम। प्रश्न, योगात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं? छात्र मौन हो जाएंगे। अब स्पष्टीकरण में बताएंगे किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या है जिसको उस दी हुई संख्या में जोड़ने पर योगफल 0 आता है। किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या जिसको उस संख्या में जोड़ने पर योगफल कितना आता? 0 आता। छात्र ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। या किसी संख्या के योगात्मक प्रतिलोम को ज्ञात करने के लिए उस संख्या का चिन्ह बदल देते हैं, अर्थात यह धन है तो ऋण और ऋण है तो धन कर देते हैं। उदाहरण से बच्चों को बताएंगे 5 का योगात्मक प्रतिलोम, 5 में ऋण 5 जोड़ा जाए तो योगफल 0 हो जाएगा, अतः 5 का योगात्मक प्रतिलोम ऋण 5, ऋण 7 का योगात्मक प्रतिलोम चिन्ह बदल दीजिए धन 7, 2/5 का योगात्मक प्रतिलोम चिन्ह बदल दीजिए ऋण 2/5, ऋण 11 का योगात्मक प्रतिलोम धन 11,
धन एक्स प्लस वाई का योगात्मक प्रतिलोम ऋण कोष्टक में एक्स प्लस वाई। इसके बाद बोधात्मक प्रश्न, बोधात्मक प्रश्न में बच्चों से प्रश्न करेंगे क्रम विनिमय नियम किसे कहते हैं, 3 × 5 = 5 × 3 किस नियम के अंतर्गत आता है, 15 का योगात्मक प्रतिलोम बताओ, साहचर्य नियम का एक उदाहरण बताओ। इसके बाद दोस्तों मूल्यांकन प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न में 2 × 3 = 2 × 3 = 7 किस नियम के अंतर्गत है, योगात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं, क्रम विनिमय नियम का एक उदाहरण बताओ। श्याम पट्ट कार्य, छात्र अध्यापक छात्रों से श्याम पट्ट कार्य उतारने के लिए बोलेंगे। निरीक्षण कार्य, जब छात्र श्याम पट्ट कार्य अपनी कापी में उतार रहे होंगे तब छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर उनकी कापियों का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद गृह कार्य, क्रम विनिमय नियम का एक एक तथा साहचर्य नियम का एक एक उदाहरण लिख करके लाना है। नीचे हस्ताक्षर पर्यवेक्षक, फिर हस्ताक्षर छात्र अध्यापक। इसी के साथ दोस्तों ये लेसन प्लान समाप्त होता है। दोस्तों अगर अच्छा लगा होगा लेसन प्लान तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा दोस्तों, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए।